अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जो कि रोटेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में कहा गया कंसीडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल एम, है ना, एंड लेंथ एल पाइवटेड अबाउट इट्स सेंटर। मतलब देखेंगे यहाँ पर फिगर में एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, इसका मास कैपिटल एम इज इक्वल टू 4 स्मॉल एम है, है ना, और इस सेंटर पर हिंज किया हुआ है। ठीक, आगे बताया गया अ मास स्मॉल एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी मेकिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 टू द रॉड्स लॉन्ग एक्सिस कोलाइड्स विथ वन एंड ऑफ द रॉड एंड स्टिक्स टू इट। कहा गया कि एक पार्टिकल है जिसका मास है एम, ये रॉड का जो लेंथ है ये वाला या जो लॉन्गर एक्सिस है इससे 45 डिग्री का एंगल पर जाकर के टकराता है, टकराने के बाद ये स्टिक कर जाता है, ऐसा बताया गया है ना। फिर कहा गया द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड मास सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं इस हिंज पॉइंट के अबाउट, है ना। तो इसमें क्या करा जाएगा कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग अप्लाई करते हैं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है केवल इस पार्टिकल के पास है, ठीक, अगर इसको एक्सिस लिया जाए इस ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा इधर और एक आएगा इधर, है ना, एक आएगा ये 45 हुआ, इधर आएगा वी कॉस 45 और ये आएगा वी साइन 45। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम अगर फाइंड करना हो तो हम लोग क्या लेंगे, ये जो लेंथ है यहाँ पर स्टिक कर रहा है तो इधर वाली जो वेलोसिटी है उसी की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा, इधर वाले की वजह से जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर वाला जो है वो एक्सिस से पास कर रहा है, एक्सिस हमने इसको लिया है तो इसको एक्सिस लेंगे तो केवल इस कॉम्पोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा और वो आएगा एम, ऐसे लेते हैं एक्चुअली एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर पार्टिकल का मास है एम और ये जो आर है इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वी साइन 45 और आर के जगह पर पार्टिकल यहाँ स्टिक करता है, एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस लेंगे जो कि लेंथ का आधा होगा एल बाई 2, है ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया पार्टिकल का जो कि इनिशियली था, मतलब कोलिजन से जस्ट पहले था, कोलिजन के बाद ये दोनों एक साथ में घूमना शुरू करेंगे किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है ना। तो ये जो एक्सिस है वो तो फिक्स्ड है, हिंज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है प्योर रोटेशन करेगा, प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम केवल आई इंटू ओमेगा से निकल जाता है, ठीक, आई जो है वो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो पहले रॉड का निकालेंगे, रॉड का होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, तो यहां पर मास जो है वो 4m है ना, ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, प्लस ये जो पार्टिकल यहां पर स्टिक करेगा इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका आएगा पार्टिकल का मास है एम और यहां से एक्सिस का डिस्टेंस हो गया एल बाई 2 का होल स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इंटू ओमेगा। ठीक, तो यहां से आप देखेंगे ये 4 है इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, तो एम एल स्क्वायर तो कॉमन ले लेंगे, यहां आएगा 1/3 या यहां आएगा 1/4, तो ये आएगा 12 4+3 इंटू ओमेगा, है ना, और ये हो जाएगा एम वी एल बाई 2√2। अब यहाँ से एम और एल दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, ये जो 2 है इससे इस 12 को कैंसिल कर सकते हैं 6, है ना, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/7√2 इंटू वी बाई एल, ये आएगा, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं √2 को इससे, तो ऊपर हो जाएगा 3√2/7 v/l, ये एंगुलर वेलोसिटी आएगा फाइनली।
तो देखेंगे जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें एंगुलर वेलोसिटी दिया गया 3√2/7 v/l है ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन है।